बिहार के सासाराम के दिनारा थाना क्षेत्र के करंज गांव में मटकी जमीनी विवाद में एक युवक की गोली लगने से हुई मौत। परिजनों तथा गांव वालों ने शव को दिनारा पुलिस स्टेशन में रखकर न्याय की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ प्रदीप भारद्वाज। बड़ी खबर रोहतास जिला के दिनारा से है, जहां करंज गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक दलित युवक का नाम भोला राम है, जो लाल मोहन राम का पुत्र बताया जा रहा है। बताया जाता है कि करंज गांव में मटके जमीन को लेकर पुरानी रंजिश रही, उसी रंजिश में दो पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। दुर्भाग्य से उसी दौरान खेत आ रहे 20 वर्षीय युवक भोला राम को गोली लग गई। उसे इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में ले जाया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है, पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। आक्रोशित परिजन तथा ग्रामीण मृतक भोला राम के शव को लेकर थाना पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के भाई जितेंद्र राम ने बताया कि वे लोग काफी भयभीत हैं तथा मटकी जमीन को लेकर चल रहे विवाद में उनका भाई बेवजह मारा गया। सासाराम से हमारे आंखों देखी संवाददाता संदीप भिलारी की रिपोर्ट। और उसमें क्या हुआ कि वो ककनपुरा का साधु आगे अपना मतलब लश्कर के साथ थाना के संरक्षण में हमारे गांव के पूर्व मुखिया जमुना सिंह, वाइस अध्यक्ष दशरथ सिंह, इन सब लोगों द्वारा गोली चल रहा था। हमारा भाई बकरी चराने भोला राम लाद कर गया हुआ था खेत से करीब 200 मीटर दूर। इसके बाद क्या हुआ, गोली मार के अस्पताल हमारा भाई का डेथ हो गया। भोला राम पिता लाल मोहराम, हम लोग के पास आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसको फैलाइए। जितना हमने डीजीपी साहब को फोन कर दिया है, डीजीओ साहब को सूचना दिया है, डीजीओ साहब को हमने सूचना दे दिया है। बस हम लोग अपने माध्यम से जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे हम लोग रोड। दिनारा थाना से मुझे दरोगा भेज करके मेरे मंदिर मुझे ऑब्जर्व कर लिया गया। दरोगा सारा पेपर लेकर के दिख रहे हैं और दरोगा जब पेपर लेकर के देख रहे हैं तब तक इधर मेरे खेत पर गोलीबारी शुरू हो गई। ये बच्चा बकरी चला रहा था खेत से काफी दूर, कुछ लोगों ने पहचान करा दिया कि लाल मोहर का लड़का, इसको गोली मार दो। इसको गोली मार दिया गया। जो गोली चला रहा था वो साला चिल्ला के कह रहा है सीओ साहब कहे जितने लोगों को मारना है मार दो। तो सीओ और पुलिस सबका मिली भगत है। नाम 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 धरिए, नाम धरिए। सीओ जो था, सीओ आदित्य प्रकाश नाम है, उनके साथ था कि गोली चला दो, ऐसा गोली चलाने वाले कह रहे थे। गोली चलाने वालों का फोटो मेरे पास में है। ककनपुरा का रामेश्वराचार्य, हमारे यहाँ का रामेश्वर सिंह, जमुना सिंह के परिवार वगैरह मिलकर और सब लोगों ने मिलकर इस बच्चे की जान ली है। आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी द्वारा गोली चलाने की बात कही गई। जो वहाँ गोली चला रहा था उसने मेरे ऊपर भी फायर किया। हमने हाथ जोड़ा कि भाई क्यों गोली मार रहे हो, तो सीओ साहब कहे कि चाहे जितना औला पूछा दो खेत कब्जा कर लो। और मैं फोन कर रहा हूँ, आप लोग मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए। सीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, सबका फोन स्विच बंद आ रहा है, किसी का फोन खुला नहीं। मैं आपको इन लोगों का नंबर दिखा रहा हूँ। देखिए एसपी रोहतास साहब को मैंने फोन किया है, समर्थ सिंह को मैंने 20 कॉल किया है, जो यहाँ का बड़ा बाबू है। देखिए कितने कॉल्स मैंने इसको किए हैं लगातार। उसके अलावा मैंने इन लोगों को लिखित आवेदन भेजा है फेसबुक पर। एसपी रोहतास को देखिए, पूरा परिवार अपना, हम लोग पूरा परिवार चमार जाति के लोग है। गाँव के अत्याचार के चलते हमने के समर्पण कर देंगे। वीडियो के टीम से लिख के दे देते हैं, हमने के गांव छोड़ के जाते हैं। हमने के रह जाते एक आज मरा ले, हमने के गांव छोड़ के जाते हैं। एसपी भी रिपोर्ट कर देते हैं, चपा थाना प्रभारी भी मार गोल में आसो। थाने में गेट बंद करके महिलाओं को भीतर से पत्थर फेंके हैं थाना के लोग। हम लोग बस गांव छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, डीआईजी से फोन लग गया है, उनको कह दीजिए कि हमारे गांव का पूरा छोड़ के जाकर गांव छोड़ने को तैयार है।